सेफर देन द सेफेस्ट। हाँ, इस कार के ऊपर यह कहावत बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो क्या केवल सेफ्टी ही है इस कार में, या मौजूद है एक शानदार इंजन, कंफर्ट, अच्छा गेयरबॉक्स या फिर अव्वल दर्जे के लुक्स? सब बातें जानते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वॉल्वो XC60 आपके लिए एक डिटेल्ड रिव्यू में। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यहाँ बात हो रही है सेफर देन द सेफेस्ट की, यानी वो कंपनी जो कहती है कि सेफ्टी उसके DNA में बहती है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. आइए बात करते हैं स्टीयर की। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा निशान है वॉल्वो का बेजिंग के साथ में, और यह ग्रिल ही वॉल्वो की पहचान है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन पहचान बन गई है वह है इसकी हैमर डिजाइन DRL। नीचे भी आपको प्रोजेक्शन मिल जाते हैं LED के साथ जो डायरेक्शनल है, और यहाँ भी आपको मिल जाते हैं। आप चौंक जाएंगे क्योंकि इसके फॉग लैंप और कॉर्नरिंग लैंप बिल्कुल नीचे यहाँ दे रखे हैं, जो कि साइड से देखना बहुत मुश्किल होता है। यह एक अच्छा डिजाइन एलिमेंट है। यहाँ स्कूप दे रखा गया है वाटर स्पेल होके ऊपर आने से बचाने के लिए। लेकिन यह DRL कितनी शानदार है, इसे तो आप नाइट में ही देख पाएंगे और तभी इसका असली मजा भी आता है। यहाँ पर आपको दो करेक्टर लाइंस दे रखी गई है जो इस मस्कुलर कार को काफ़ी ज़्यादा एलिगेंस प्रोवाइड करती है, यानी फ्रंट से देखने में क्लास यहाँ पर नजर आता है कि इसे कहते हैं एक प्योर यूरोपियन डिजाइन। साइड प्रोफाइल की बात की जाए, 19 इंच के अलॉय व्हील्स पर आपकी निगाह पहुंच ही जाएगी, क्योंकि यह देखने में काफी कूल है। 235-55 प्रोफाइल्स के टायर मिलते हैं जो इसके लुक्स को एनहेंस भी करते हैं, साथ ही रोड पर अच्छी पकड़ देते हैं। बड़ा सा व्हील आर्च, इस साइड आपको क्रोम फिनिश में साइड स्कर्टिंग मिल जाती है जो देखने में अच्छी भी लग रही है। बेहतरीन जानदार ग्राउंड क्लियरेंस जो इस ऑल व्हील ड्राइव को चलाने का मजा बेहतर बनाता है। यहाँ पर आउटसाइड रियर व्यू मिरर में ही इंडिकेटर दे रखे गए हैं, साथ ही ब्लाइंड स्पॉट की लाइट भी यहाँ पर ग्लो करती है। नीचे अराउंड व्यू कैमरा मौजूद है जो आपको किसी भी हिस्से में रिस्क में नहीं आने देता। हाँ, रिक्वेस्ट सेंसर मौजूद है, बड़ा सा ग्लास एरिया, वह भी UV कट ग्लास के साथ, देखने में अच्छा भी लग रहा है, फील भी अच्छा है। ऊपर आपको रूफ रेल मौजूद है और बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है, और यह क्रोम की लाइनें इस कार को एक क्लास प्रोवाइड करती हैं। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, यह जबरदस्ती ऊंची नहीं डिजाइन की गई है, फिर भी भीतर इतना स्पेस मिल जाता है हेडरूम में कि उसका मजा बेजोड़ है। बात करूंगा पिछली सीटों पर कितना स्पेस है उस सेक्शन में। बात करें रियर प्रोफाइल की, वॉल्वो की पहचान ये L डिजाइन की बेहतरीन लाइटिंग, देखने में काफी कूल लगती है। छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट दे रखे गए हैं इंडिकेटर्स के भी साथ में, और यहाँ पे मिलती है XC60 की बैजिंग जो इसको लुक्स को इनहेंस करती है, और ये डिजाइन एलिमेंट काफी कूल लगता है। यहाँ पर वॉल्वो की बैजिंग, वॉल्वो शायद शुरुआती कारों में है जिन्होंने यह पैटर्न अपनाया था थोड़ा थोड़ा गैप दे के लिखने का। यहाँ आपको कैमरा मिलता है, और इस तरफ आपको मिलती है B5 बेजिंग ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ। हाँ, ऊपर शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर यहीं पर मौजूद है। नीचे के हिस्से में आपको सेंसर्स दे रखे गए हैं और यह क्रोम की लाइनिंग। बूट खोलना बहुत आसान है, चाहे तो आप इस की से खोल सकते हैं। यहाँ पर साइड में दे रखा गया बूट ओपन करने, लॉक अनलॉक के अलावा, हैजर्ड के ऑप्शंस के अलावा, बाकी साइड में फ्रंट में कुछ भी नहीं है मौजूद है यहाँ पर। और यह की काफ़ी इजी है पॉकेट में रखने के लिए। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ बटन से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह ओवर स्मार्ट बन सकते हैं। बूट ओपन हो जाता है बड़ी आसानी से। यहाँ पर आपको टन से स्पेस मिल जाता है, अगर सीट फोल्ड कर देते हैं तो 1100 लीटर्स तक का स्पेस बन जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो तीन बड़े सूटकेस
दो बैग आसानी से कैरी कर सकते हैं। नीचे आपको स्टेपनी मौजूद है और साइड में भी आपको नेट मौजूद है जहां कुछ सामान फंसा सकते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट मौजूद है। चाइल्ड आइसोफिक्स के एंकर्स सामने दिख रहे हैं। ये हिस्सा भी वेल कवर्ड है और इधर आपको मिलती है पार्सल सेल्फ, जो थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए भी ठीक रहेगा कि बूट में अगर कोई सामान है तो उसका फील भीतर नहीं आए। हाँ, इसको बंद करने के लिए ग्रैब हैंडल मौजूद है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। आप चाहें तो इन दो बटनों से इसे आसानी से बंद कर सकते हैं, जिसमें एक बटन के थ्रू गाड़ी भी पूरी लॉक हो जाती है और दूसरे बटन के थ्रू केवल और केवल बूट बंद हो जाता है ना, क्लासी। लेकिन वॉल्वो का क्लास यहाँ खत्म नहीं होता है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि कार को स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसे ट्विस्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। सब जगह पुश स्टार्ट है, यहाँ ट्विस्ट स्टार्ट है, और इस ट्विस्ट में ही असली मजा भी है। जैसे कि आपको फील यहाँ पर बहुत अच्छा है। ये भी सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है। ऊपर आपको एक ट्विटर मिल जाता है जो मेन स्पीकर का सेटअप है, और यह बॉवर्स एंड विल्किंस के स्पीकर्स रियली बहुत बेहतरीन म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको देते हैं। टोटल 1100 वाट का एक्सपीरियंस मिलता है मल्टीपल स्पीकर्स एंड वूफर सेटअप के साथ में, यानी सोने पे सुहागा। और ऊपर से यह बेहतरीन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें कि आपके ऑल व्हील ड्राइव के सेटअप, ड्राइव मोड्स, एयर कंडीशनिंग के मोड्स, गूगल असिस्ट, ये सब कुछ आपको इसी म्यूजिक इंफोटेनमेंट के थ्रू मिल जाता है, और यह हमेशा कनेक्टेड रहता है। और ऊपर से यह डिजाइन है बंद करने के लिए, खोलने के लिए एसी वेंट, काफी कूल लगते हैं। और यह आईपैड डिजाइन सेटअप विद बगल में आपके एसी वेंट बहुत शानदार लगता है। बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने वॉल्वो के बाद उनके इस लेआउट को कॉपी करना शुरू कर दिया है। नीचे ही आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स के लिए फिजिकल बटन, ट्रैक चेंज करने के लिए डिफॉगर के बटन्स, या फिर आपके हैजर्ड के बटन नीचे मौजूद हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट सॉकेट दे रखा गया है। इस तरफ आपको दो कप होल्डर्स दे रखे गए हैं। यहाँ पर वायरलेस चार्जर मौजूद है, और आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बैग विद ऑटो होल्ड मौजूद है। यहाँ पर जो गियर लीवर दे रखा गया है उसमें रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव के मोड, साथ ही मैनुअल मोड भी दे रखा गया है। इधर पी यानी पार्किंग के मोड भी मौजूद है। इधर भी थोड़ी सी जगह है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। साथ ही दो USB टाइप सी के सॉकेट हैं, और यहाँ भी आपको जगह मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी है। वेल कवर्ड है सॉफ्ट मटेरियल से, यानी आपका कीमती सामान भी यहाँ ठीक रहेगा। ऊपर से यह फिट एंड फिनिश, जिस जगह को भी आप हाथ लगाते हैं प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छा फील कराती है। हालांकि यह है हार्ड प्लास्टिक, लेकिन फिट एंड फिनिश इतनी शानदार, इतनी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है कि आपको कतई रिग्रेट नहीं होता है। ऊपर से इस हिस्से को आप कवर भी कर सकते हैं, चाहे तो पूरी तरह कवर कर सकते हैं वॉलेट चार्जिंग हिस्से को, और इस हिस्से को भी बंद कर सकते हैं। यानी पूरा लेआउट अब नीट एंड क्लीन हो गया है आपके लिए। सीट्स काफ़ी बेहतरीन है, लंबा सपोर्ट के साथ में आती हैं, और इनको आप मल्टीपल वे से एडजस्ट कर सकते हैं। मेमोरी फंक्शंस भी यहाँ पर मौजूद है। सीट वेंटिलेटेड होने के साथ साथ हीटिंग के भी ऑप्शंस यहीं पर मौजूद है। यानी आपको कार से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के लिए इस सिस्टम पर डिपेंड होना पड़ेगा। फ्रेमलेस IRVM मौजूद है, और वह भी ऑटो डिमिंग फीचर्स के साथ में है। टच रिस्पॉन्स के साथ पैनोरामिक सनरूफ दे रखी गई है, और टच के साथ ही यह बटन भी दे रखे गए, या टच करते ही अपने आप बंद हो जाते हैं। यहीं पर SOS और कॉल सेंटर से कनेक्ट करने के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। यहाँ पर आपको माइक्रोफोन्स दिख रहे हैं। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ इस सीट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन इस स्टीयरिंग व्हील का क्या किया जाए। लेदर रैप्ड वॉल्वो का टिपिकल डिजाइन यहाँ पर मौजूद है, और यह डुअल टोन में नहीं है। हाँ, लेकिन आप एज एक्सेसरीज डुअल टोन वाला पैक वॉल्वो से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल्स के ऑप्शंस हैं। इस तरफ आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स के ऑप्शन, साथ ही
इंस्ट्रूमेंट पैनल के कंट्रोल्स के ऑप्शन है जो कम्प्लीटली डिजिटल है और साथ ही फुल साइज मैप भी इसमें दिखता रहता है और सेफ्टी के सारे ऑप्शंस यहीं पर आपको डिस्प्ले में दिखाया करते हैं और कार कितनी रेंज है वह भी यहां बताया करती है और फ्यूल एफिशिएंसी भी बता रही है, जैसे कि इस समय दिखा रही है 9.7 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मुझे सिटी में मिली है। चले पिछली सीट पर, वहां कैसा इंतजाम है? रियर सीट की बात की जाए यार, स्पेस टन्स है, कोई प्रॉब्लम, नीचे भी अच्छा खासा हेडरूम मौजूद है। यहाँ पर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा गया है जिसके सारे ऑप्शंस भी यहीं पर मौजूद है, कम ज़्यादा करना और वेंट भी। नीचे आपको दो टाइप सी यूएसबी पोर्ट मिलते हैं। एसी वेंट आपको प्लस में भी दे रखे गए हैं, यानी बी प्लस से भी हवा आ रही है और इधर से भी आपको हवा मिलती है जिससे भीतर बैठा हुआ व्यक्ति काफी कोजी कोजी फील करता है और उसे फील कराती है। सीट्स भी यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट भी रीजनेबल है, बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं। थोड़ा सीटें और ज्यादा आगे की तरफ बनी होती या ये हिस्सा लंबा होता साइज में तो आपको और ज्यादा कंफर्ट फील कराता। मेरी हाइट है 5'10", उस हिसाब से मुझे लगता है ठीक है, लेकिन अगर कोई 6'3" का होगा, 2" का होगा तो उसको थोड़ा यहाँ पर अंडर थाई कम फील होगा। हेडरूम बहुत शानदार है, किसी के लिए भी दिक्कत नहीं, चाहे 6'4" का आदमी क्यों ना हो। हाँ, ये ब्लैक इंटीरियर बहुत लोगों को इंडिया में बहुत पसंद आता है और कुछ लोग मेरे जैसे हैं जिन्हें ब्लैक उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन ये 10 कलर का लेदर का सेटअप बहुत ही शानदार है और इसका फील भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, इस आर्मरेस्ट में ही आपको दो कप होल्डर्स भी दे रखे गए हैं, पीछे के एक्सेस के लिए जगह भी रखी गई है और पैनोरामिक सनरूफ का ऊपर तक आने की वजह से यहाँ बैठा व्यक्ति काफी अच्छा फील कराएगा। हाँ, 3 लोग बैठ सकते हैं, थोड़ी जगह है, मगर ये बीच में जो ऑल व्हील ड्राइव के लिए टनल दे रखा गया है डेफिनेशन के लिए, वह थोड़ा आपकी जगह खराब करता है, तो बीच वाले पैसेंजर्स के लिए थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यानी सिर्फ 2 ही तो माइनस पॉइंट थे, थोड़ा अंडर थाई और होना चाहिए था और बीच वाले पैसेंजर्स के लिए थोड़ा और जगह होती, क्या कहते हैं। वॉल्वो XC60 में आपको मिलता है 4-सिलेंडर इन लाइन पेट्रोल इंजन जो प्रोवाइड करता है 254 PS की पावर 350 Nm टॉर्क के साथ। इंजन लेआउट की बात की जाए, वेल फिनिश्ड, वेल कवर्ड, नीट एंड क्लीन फील कराता है, जिसे क्लीन करना भी काफी इजी है। हाँ, और यह बोनट को इतना ऊपर तक खोल देता है कि मैकेनिक के लिए काम करना काफी आसान बनाएगा। हाँ, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग जबरदस्त मिल रही है। साथ ही आपको मिलता है 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड का सेटअप जो इस इंजन को असिस्ट करता है ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी और ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड करने में। ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस परखने के लिए आइए चलते हैं सीधे ड्राइव पर। सेफेस्ट कार में चलने का मजा ही कुछ और होता है, ये वही लोग जानते हैं जो सेफर देन सेफेस्ट पे चलते हैं। हाँ, वॉल्वो को यही कहा जाता है, वॉल्वो खुद भी कहता है कि सेफ्टी उसके DNA में है, यानी उन्होंने ऐसी कोई कार नहीं बनाई जिसे सेफ ना माना जाए किसी भी कंडीशन में, चाहे वो क्रैश टेस्ट रेटिंग हो या सेफ्टी फीचर्स की बात आए, हर एक में उन्हें अव्वल रहने की एक्चुअल में बीमारी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब सेफ्टी की बात आती है तो वॉल्वो सबसे सेफ मानी जाती है। बड़े बड़े नाम है इंडस्ट्री में, लेकिन वॉल्वो जैसा कुछ भी नहीं। लेकिन क्या वह सेफ्टी आपको कॉन्फिडेंस देती है? देखिए, मैं इसे चला रहा हूं इंडिया में और यहां पर सड़कों के हालात अलग अलग होते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, साथ ही आपको मिलती है अच्छे ब्रेक्स और ऊपर से वॉल्वो के स्ट्रॉन्गेस्ट केज होने की एश्योरेंस, यानी कुछ भी हो जाएगा भीतर बैठे पैसेंजर्स सेफ ही रहने के उम्मीद रहती है। लेकिन क्या सेफ्टी ही सब कुछ होती है? नहीं भाई, कार में और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विजिबिलिटी। मैं कहूंगा SUV जिस साइज की है उसको देखते हुए विजिबिलिटी काफी अच्छी है, इधर भी काफी नीचे तक का हिस्सा हमें क्लियरली दिखता है और ऊपर से ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम वॉल्वो के शायद वर्ल्ड के सबसे पहले और अच्छे
ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम है, क्योंकि ये सालों से दे रहे हैं, 20 साल के आसपास हो गया इनको इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, और ऊपर से शानदार विजिबिलिटी और अच्छा खासा बोनट भी आपको दिख ही जाता है, यानी आप कॉन्फिडेंट फील होंगे ड्राइव करते समय। हर चीज़ आपके रीच में है एर्गोनॉमिक वाइज, वैसे जरूरत भले ना हो लेकिन है आपके रीच में, क्योंकि यह वॉइस कमांड के साथ है तो आपको इसको टच करने की एक्चुअल में जरूरत नहीं पड़ती है। ऊपर से कनेक्टेड कार वाले सारे फीचर्स, राइड क्वालिटी, मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल परफेक्ट है इंडियन रोड्स के लिए, क्योंकि ना आपको अंडुलेशंस ज़्यादा पता चलते हैं, ना ही आपको खराब सड़कों पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चाहे ब्रोकन रोड्स ही क्यों ना हो, फिर भी इसकी राइड क्वालिटी उन पर भी काफ़ी अच्छी है। बात की जाए हैंडलिंग की, जिस साइज की यह कार है उस हिसाब से इसकी हैंडलिंग काफ़ी बेहतर है। आपको ड्राइव करते समय बॉडी रोल भी काफ़ी कम फील कराती है, उसके लिए बॉडी रोल मिटिगेशन सिस्टम दिया हुआ है जो एक्टिवली बेहतरीन वर्क करता है, और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल्स वगैरह इसको हमेशा इन कंट्रोल रखते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम कम्प्लीटली गूगल असिस्ट है, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, अपनी गूगल आईडी डालिए और सब कुछ इसके पास पहले से ही आपके मोबाइल के द्वारा सिंक मौजूद है। ऊपर से एसी के फंक्शंस वो भी इसमें मौजूद है। ड्राइव के फील की बात की जाए, देखिए कार तो साइज में काफ़ी बड़ी है और ऑल व्हील ड्राइव के साथ में है, लेकिन फिर भी आपको यू टर्न लेने में जरा सी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। स्टीयरिंग व्हील वेल असिस्ट है, बिल्कुल परफेक्ट वेट के साथ में है, और जब आप यू टर्न लें वापस अपनी जगह पे आने में बहुत हेल्प करती है। साथ ही आपको लेन असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स मौजूद हैं, क्योंकि इसमें एडास के फंक्शंस ऑलरेडी आते हैं और वह काफ़ी सालों से चूंकि वोल्वो इस्तेमाल कर रही है तो उसके पास एल्गोरिथम में मशीन लर्निंग में बहुत कुछ सीखने का मौका है, और इसी वजह से उसके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाले ऑप्शंस या कॉलिजन मिटिगेशन वाले ऑप्शंस बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। हाँ, मुझे एक शिकायत भी है, मुझे एसी के परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ी शिकायत है। मैं चाहता था कि यह और बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की गर्मी दुनिया की गर्मियों में सबसे ज़्यादा भारी पड़ने वाली गर्मियों में से एक मानी जाती है। ऊपर से यह बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ सूर्य देवता को कहती है आप भीतर ही आ जाओ भैया, बाहर क्यों रहते हो, तो भीतर काफ़ी गर्म हो जाता है और एसी को कूल करने में ज़्यादा वक्त लगता है। ये एक थोड़ी सी मुझे शिकायत लगती है। ड्राइव टू वायर गियरबॉक्स बहुत इजी यूज़ करने में है, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट आता है इसके क्रिस्टल गियर लीवर को देखकर, क्योंकि यह रियली बहुत फैसिनेट करता है लोगों को कि छू के देखें कैसा बना हुआ है। हाँ, पीछे स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वह भी खास है, मैं आपको बता चुका हूँ। सारे फंक्शंस इसके अच्छे से काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम फंक्शंस जो है वह इस सिस्टम के थ्रू होते हैं, चाहे वह ऑफ रोडिंग रिलेटेड या ड्राइव मोड से रिलेटेड, सारे फंक्शंस आप इस स्क्रीन से ही करते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय पर आपको लगेगा कि थोड़ा सा फिजिकल ऑप्शन भी होना चाहिए था इस कार में। वायरलेस चार्जिंग मौजूद है, जिसपे कि मेरा फ़ोन इस समय चार्जिंग में लगा हुआ है। माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, 48 वोल्ट माइल हाइब्रिड इसमें दे रखा गया, बैटरी आपको बूट में दे रखी गई है, और वह समय समय पर इसको असिस्ट करती है। चलाते समय आपको रियली पता नहीं चलता है कि यह बैटरी मोड से पावर कितनी ले रही है और कब उसे रीजनरेट करती चली जा रही है काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, जो ब्रेक लगाते समय आप यूज करते हैं, यानी चलाने का मजा आपको हमेशा स्मूथ मिलता है। जब ज़्यादा पावर चाहिए तो बैटरी एक्स्ट्रा बूस्ट देती है, जब ज़्यादा फ्यूल इफिशेंसी चाहिए तब भी बैटरी आपको एक्स्ट्रा इफिशेंसी प्रोवाइड करती है, यानी आपके लिए यह माइल्ड हाइब्रिड सेटअप रियली फायदे का सौदा लगता है ड्राइव करते समय। फ्यूल इफिशेंसी की बात की जाए, मैंने इसे कल परसों से चलाना शुरू किया है और अब तक जो मैंने नोटिस किया वो ये, सिटी में इसने मुझे 8-9 की फ्यूल इफिशेंसी दी है, जबकि हाईवे पे इसने मुझे 12 की फ्यूल इफिशेंसी प्रोवाइड की है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, मैं ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ, लेकिन जितना इसने दिया है वह काफ़ी बेहतर है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसको ड्राइव करते समय, क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप एक रियली सेफ कार में चल रहे हैं, और यह सेफ्टी इतनी है
कि छोटी मोटी चीजों से आपको डर लगना ही बंद हो जाता है। इंजन काफी रिफाइंड है, इतना रिफाइंड कि आपको भीतर तकलीफ नहीं होती। हालांकि जब आप हार्ड एक्सेलेरेट करते हैं तो थोड़ा वोकलनेस, थोड़ा थ्रॉटल का पावर आपको भीतर फील होता है, जो बताता है कि इस कार में काफी पावर है। हालांकि माइल्ड हाइब्रिड सेटअप भी काम करता है, लेकिन उसके बावजूद इंजन का फील आपको भीतर अच्छे से पता चल जाता है कि इंजन इस समय अच्छा रिस्पॉन्स आपको दे रहा है। यानी मैं सीधे सच्चे शब्दों में कहूँ कि रिफाइनमेंट पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत थी वॉल्वो को इस जगह पर। एज ए पैकेज ड्राइविंग में मैं कहूंगा फुल मार्क्स। बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में, क्योंकि सेफ्टी के बारे में वॉल्वो से बात की जाए तो गलत है। क्रैश टेस्ट रेटिंग वो भी वर्ल्ड क्लास, बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स वह भी एक्सपीरियंस्ड डिजाइन किए हुए और प्रॉपर यूज के, हर हाल में लोगों के लिए पैरामीटर्स बनाती है वॉल्वो कि सेफ्टी लानी है तो मेरे जैसे बेहतर करके दिखाओ। चलिए फिर बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बात की जाए, सेफ्टी एक ऐसा पैरामीटर है जहां वॉल्वो को दिया दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंजन काफी बेहतरीन है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, माइल्ड हाइब्रिड इसको अच्छा सपोर्ट देता है, अच्छी 9-10 किलोमीटर की आपको फ्यूल एफिशिएंसी सिटी में प्रोवाइड कर देता है, जो मेरी नजर में तो काफी शानदार है। लेकिन यह वॉल्वो है, इसे वही लोग पसंद करते हैं जो सेफ्टी के साथ साथ क्लासी लाइफ जीना चाहते हैं, और वहां पर इसके लुक्स का कोई जोड़ नहीं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसकी एक्सोरूम प्राइस है 66 लाख रुपीज। यानी आप चाहे तो इसे इसी वेरिएंट के साथ खरीद सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी यह भी लिखना ना भूलिएगा, और यह भी बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने में बिल्कुल संकोच नहीं कीजिए, और अगर पसंद आया है तो अब तक लाइक क्यों नहीं किया, सोचिएगा मेरे विचारों को, और शेयर करने में संकोच मत बरतिएगा, क्योंकि सेफ्टी की बातें सभी कर रहे हैं लेकिन असली सेफ्टी सिर्फ यहाँ मिलती है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार कार के साथ, देखते रहिए आज कार गुरु।